अंजी, तो क्या आपकी एज 15 साल से लेके 23 साल के बीच में है? मैं कोई अंतर्यामी की तरह नहीं बता रहा हूँ, चैनल की डेमोग्राफिक शो कर रहे हैं। तो आपने कभी अपने बेदर्द जीवन में कभी अकेला महसूस करा ही होगा? बिल्कुल करा भाई, बिल्कुल करा। आपने अकेला महसूस नहीं करा तो जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि काश जिंदगी में कोई होता। बिल्कुल हुई है भाई, बिल्कुल हुई है। और बाई चांस आपकी जिंदगी में से इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो आपको स्कूल कॉलेज के अंदर में बंदा बंदी करते हुए मोड़ा मोड़ी मिल जाएंगे, कैफे मेट्रो में एक ही स्ट्रॉ से एक दूसरे का थूक सर उठते हुए मोड़ा मोड़ी मिल जाएंगे, और इंट्रोवर्ट तो इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हुए दिख जाएंगे। और फिर आपके जहन में ये सवाल आया होगा, क्या मेरे लिए कोई इस दुनिया में बना है? क्या मुझे कभी किसी के साथ में बाबू सोना करने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है। अरे आपका पार्ट अभी आया नहीं है। वो मैंने सोचा लोगों को बता दूं मैं यहाँ पे हूँ। और मैं भी। तुम दोनों पहले चख लो, इंतजार करो, तुम्हारा टाइम आएगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी महसूस किया है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस चीज का इलाज, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी लड़की को मात्र 5 स्टेप्स के अंदर में बना सकते हैं अपनी महिला मित्र, उसे सम्मोहित कर सकते हैं। अंजी, तो एक्सरसाइज करने से पहले जैसे वार्म अप करते हैं वैसे ही आपको मैजिक पोर्शन देने वाला हूँ। कुछ कानून तो बताऊंगा, मतलब कुछ रूल्स तो होते हैं, ऐसा तोड़ना नहीं तो तुम तो किसी को भी जाके बशीकरण कर लोगे, तुम्हारे दोस्त की बहन को पकड़ लोगे, अपने चाची की भतीजी को पकड़ लोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो कुछ कानून बनाए हैं, पफ बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ परमानेंट जीवन साथी ढूंढने में मदद करी जाएगी, ठोको पीटो आगे बढ़ो योजना को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि We are good boys. और मैं चाहूँ तो आपको fuck boy बनना ही बता दूँ, लेकिन घर भी तो वापस जाना है ना। क्या बोला बे? समझे, यहाँ पे कोई fuck boy वाला गेम नहीं होने वाला है, यहाँ पे करने वाले हो तो मेहनत, परिश्रम, इंतजार। बिल्कुल वैसे इंतजार ना जैसे मैंने कराया था अपनी फर्स्ट डेट पे। कहाँ रह गई यार ये? बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी डेट पे। किसके साथ है डेट तुम्हारी? कोई यूट्यूबर के साथ है। कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके? यही कोई 4-5 हजार। क्या? मेरा मतलब 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख है भाई। तो मैं सोचूं किसी स्ट्रगलर यूट्यूबर के साथ तो नाम नहीं जोड़ रही है अपना। पफ लेने आ जा मुझे। आई क्यों नहीं यार ये? वैसे क्यों लेट हुई थी तू उस दिन? क्या तुम पुरानी बातें करने लगे हो? ए तू आगे बता। स्टेप नंबर 1, आपको अपना शिकार सेलेक्ट करना है। और आपको लग रहा होगा जी तो भतीजी है, कोई भी लड़की दिख गई उसको पसंद कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, अपने शिकार को सेलेक्ट, अपने टारगेट को फाइनलाइज करें, क्योंकि दुनिया में भिन्न भिन्न तरह की लड़कियां मौजूद है, एटीट्यूड वाली, ईगो वाली, काटने वाली, कटवाने वाली, बहुत सारी मौजूद है। तो आपको बहुत दिमाग लगा के अपने फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए बंदी पसंद करनी है। कोई खतरा कदम कदम पे है। याद है वो पागल लड़की जो तुझसे टकराई थी स्कूल में? सॉरी सॉरी, तूने मुझे जान के धक्का मारा है, मेरा लैपटॉप कौन सुधरवाएगा? बट मैम आपके पास तो लैपटॉप था भी नहीं। सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दो मैम, प्लीज माफ कर दो। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर इसने मुझ पे मॉलेस्टेशन, असॉल्ट, हैरेसमेंट किया है। ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था यार। पर अपने पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, महिला सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है, आउट ऑफ लीग है यार, मैं क्या ही उसे पताऊंगा, औकात के बाहर है मेरी। महान पफ टॉक्स ने कहा है, औकात इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, जहाँ खींच दो वहीं बन जाती है। स्टेप नंबर 2, अप्रोच। अब समय आ चुका है सिलेक्टेड महिला को अप्रोच करने का, और इस स्टेप के अंदर में अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े दिग्गजों के पेंट गुनगुने हो जाते हैं। अब अप्रोच तो किसी महिला को कहीं पे भी किया जा सकता है, इंस्टाग्राम पे किया जा सकता है, स्कूल कॉलेज में किया जा सकता है, चलते रोड पे किया जा सकता है, लेकिन ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं देनी। मान लो किसी लड़की ने पबजी की स्टोरी डाली तो तुम उसके डीएम में पहुंच जाओ, ये मैडम लेट्स मेक सब्जी इन योर पबजी। नहीं 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 नहीं, ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करो, जेन्युइन रिप्लाई हो तो दो, वरना अपनी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करो। अब यहाँ पे स्कूल और कॉलेज वालों को तो फायदा है, क्योंकि महिला तुम्हारे सामने है, डेली की डेली आएगी, तुम पे अनलिमिटेड चांस है, अनलिमिटेड बेइज्जती करवाते रहो अपनी। बाकी बच्चे रोड चलते रही, मॉल, कैफे, यहाँ की लड़कियाँ, अब यहाँ के बारे में हमें ज्ञान थोड़ा कम है, तो जिसको ज्यादा ज्ञान है उसी से पूछ लेते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपको बोलना है हेलो मैडम, और सामने वाली बोलेगी तो इसने मुझ पे मॉलेस्टेशन, असॉल्ट, हैरेसमेंट किया है। बॉर्डर लाइन ये है कि हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी तरफ से ऐसा नहीं कर सकता एयर ड्रॉप से लड़की तुम्हारे घर भेजवा दूं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3, एफर्ट्स। तो आपने अपने टारगेट को सेलेक्ट कर लिया है और आप लोगों की बातें शुरू हो चुकी है, तो आपको अपना तन, मन और धन एक करके खुद को झोंक देना है लड़की के प्यार के हवन में। पर आपको अपने प्यार के बहकावे में कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़वा लेनी है, नहीं तो आपका हाल इन लोगों जैसा होगा। मैं तो उससे दोस्त की तरह बात करती थी, ना जाने क्यों मुझसे अपने
दिल लगा बैठा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मतलब वो बस मुझसे बोलता था कि थोड़े ऐसे फोटोज भेज दो, मैं भेज देती थी। वो बोलता था कि मुझसे दिन रात बात करो, मैं कर लेती थी। पता नहीं क्यों दिल लगा लिया उसने मुझसे अपना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सही बात है मैडम, सही बात है। बोलता है कि मुझसे बात करके सुकून मिलता है उसको, अब उसको कैसे बताऊं कि मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही बात है मैडम, वैसे मैडम माइसेल्फ पाप। अरे भैया, बिल्कुल इस तरीके से लड़के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जा उड़वा देते हैं। तो अपना एक एक कदम फूक फूक के रखते हुए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी। तो आपको यहाँ तक तो कोई भी गुलाबी रंग का एनिमेटेड बंदा भी लेके आया था। कुछ बोल रहा है मुझसे? नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ से आगे का रास्ता बस आपको मैं लेके जा सकता हूँ, बस और बस मैं। तो लोग क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं कि शुरुआत में एफर्ट्स करते हैं 400 किलोमीटर आवर की स्पीड पे, और फिर कर देते हैं उन्हें 40 किलोमीटर आवर की स्पीड पे, तो स्पेसशिप तो डूब ही जाएगी ना। तो कंसिस्टेंट रहो अपनी मेहनत के साथ, भले ही वो लड़की पे हो या यूट्यूब पे। और ऐसा करो, तुम दोनों बैठ के यहाँ पे वीडियो बना लो, चैनल तुम दोनों चला लो, मैं के खेतों में हग लेता हूँ, ठीक है? हाँ, नहीं तो स्टेप नंबर 5, आपने सेलेक्ट किया, आपने अप्रोच किया, आपने काम किया, आप काम में कंसिस्टेंट रहे, और मान लीजिए बस और बस मान लीजिए कि आपकी बंदी बन गई। अब आपका आ गया है पॉइंट नंबर 5, मेंटेनेंस। अब आपको करना है इस गाड़ी का मेंटेनेंस, भले से आपको ये मेंटेनेंस कितना भी बेफिजूल का लगे कि तुम बार मत जाओ, लड़कियों से मत मिलो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि जब तक हमटी डमटी जिंदगी चल रही है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन जिस दिन इस दुनिया में बारिश आएगी उस दिन तुम्हें ये गाड़ी की अहमियत समझ में आ जाएगी। बहुत सेंटी नहीं हो रहा इस वीडियो में, मैं जानती नहीं हूँ ये इंसान कौन। चलो वो सेंटी गानियों का राज मैं आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो पे पहुंचाने पड़ेंगे 1,500 लाइक्स। कितने? 1,500, इतने कर दो और सारे राज खोल दूंगा तुम्हारे सामने। बाकी एक राज है जो मैं इसी वीडियो मैं खोल देता हूँ। ये जो गुलाबी रंग का व्यक्ति है जो बार बार आ रहा है, ये पफ टॉक्स है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, बस 2 लाख सब्सक्राइबर है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 लाख है, जाके देख लेना चैनल पसंद आए तो। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम इनके कारण ही आए हो यहाँ पे, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना, संबंध है, समझती हो ना तुम। तो भाई गए हो तो देख लेना चैनल वैनल को, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी इस वीडियो का डिस्क्लेमर एंड में डाल देता हूँ, ये जो मैंने टिप्स ट्रिक्स हैं तो मैं पूरे वशी कराने की शक्तियां दी हैं, ये बस तब इस्तेमाल करनी है जब तुम बिल्कुल भूखे नंगे होकर लड़की के पीछे दौड़ पड़े हो कि भाई लड़की दिलवा दे। तुम हर बंदे के पास जाके ये बोल रहे हो भाई लड़की दिलवा दे, और वो तुम्हारा दोस्त भी ये बोल रहा है भाई तू दिलवा दे, और तुम दोनों एक दूसरे को देख के बोल रहे हो भाई लड़की दिलवा दे। तब आके आपको ऐसे कदमों पर उतरना है, उससे पहले आपको करनी है पढ़ाई लिखाई, जिंदगी में काम धंधा करो, ऑटोमेटिकली दुनिया और भी लड़कियां आपसे आकर चिपक जाएंगी। ऐसा मैं तो कह नहीं सकता, मुझे क्या पता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, ये मेरे हाइपोथेसिस हैं, मतलब ऐसा मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। और बिल्कुल इस तरीके से आता है पर इस वीडियो के मोरल ऑफ द स्टोरी पे। तो आपको एक महिला को पटाने के लिए, वशीकरण करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए जरूरत है इन 5 स्टेपों की, अच्छे दिल की, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बड़े की। वो नहीं है तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी। वैसे मैडम माफ़ का नाम, वैसे तुम दोनों ज्यादा बातें नहीं कर रहे हो आजकल, मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा है यहाँ पे, समझ में आई तुम्हें?